अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद दानिश एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आईडी कार्ड की आपने कापियाँ कैसे बनानी है रिको एमपीसी 305 से। तो ये हमने आईडी कार्ड को रखा ग्लास पर, आपने ध्यान से रखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना है यहाँ इस तरह। ये हमने किया कवर इसको। ये हमारे पास बाईपास ट्रे है, बाईपास ट्रे में हम A6 की जो कागज़ है वो रखेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे। ये हमने कवर कर दिया। अब सेटिंग में आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉपियर का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली बाईपास ट्रे को सेलेक्ट कर लेगा। बाईपास ट्रे पे आ रहा है A4, लेकिन जो आईडी कार्ड की कॉपी बनती है वो A6 में बनाई जाती है। तो ध्यान रखना है आपने, इस पर आपने क्लिक कर देना इस तरह, ये आ जाएगा इस तरह पेपर साइज और पेपर टाइप। पेपर साइज A4 बता रहा है, तो यहाँ पे आपने पेपर साइज को क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि A4, A5, A5 लैंडस्केप में, A6, B5, इस तरह अलग अलग ऑप्शन। लेकिन जो आईडी कार्ड की कॉपी बनाई जाती है वो A6 में बनाई जाती है, तो यहाँ पे आपने A6 को सिलेक्ट कर देना है और इसको कर देना है सिंपली ओके और ओके। ये हमने सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन अभी आ गया A6, पहले यहाँ पे आ रहा था A4। इसको हम सिंपली यहाँ से एंटर करेंगे, तो ये देखिए आपको चला गया और इसने फोटो कापी बना दी है। इसकी जो कापी होती है वो नीचे की तरफ होती है, इस तरह आपने उठाना है इसको। ऊपर की साइज इसकी बिल्कुल साफ है, तो जिस तरफ की फोटो कापी बनी हुई है ये इस साइड से आ गई है, तो आपने जो साइड निकाली है उसको ऐसी ही इसको ऊपर की तरफ करके रख देना है इस तरह ऊपर रख देंगे सिंपली। और इसको जो कार्ड है इसको उल्टा करके जहाँ पे पहले रखा था वहीं पर दोबारा रख देंगे इस तरह आराम से, बिल्कुल इसको बंद कर देंगे। आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था पहले से, सिंपली इसको ऑर्डर एंटर करेंगे तो ये यहाँ से कॉपी ले लेगा। ये हमने एंटर किया और ये कॉपी अंदर चलेगी, देखा बहुत ही आसान और आराम से ये कॉपी बन गई है। ये एक साइड और ये दूसरी साइड फोटो कॉपी बन गई है इसकी A6। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।